नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से रामचरितमानस पर बेतुका बयान दिया है, तब से साधु संतों और हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। सियासी गलियारों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। कई लोग सपा पर उंगली उठा रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्वामी प्रसाद पर क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को लेकर दिए विवादित बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पीताम्बरा देवी 108 के दर्शन करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हमने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ने को कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हमें शूद्र मानती है, दलितों को शूद्र मानती है, हमें मंदिर जाने से रुकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजन स्थल से रात में ही पुलिस व्यवस्था हटा ली गई थी, लेकिन वो याद रखें कि समय बदलता है और आने वाले समय में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। बीजेपी को ये तकलीफ है कि हम क्यों इन धार्मिक आयोजन में जाते हैं, गुरु संत लोगों से क्यों आशीर्वाद लेते हैं। रात में पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था हटा ली गई। अखिलेश यादव बार बार कहते रहे कि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मां पीताम्बरा देवी 108 के दर्शन करने पहुंचे थे, उन्होंने यज्ञ में हिस्सा लिया, लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम के आयोजकों को धमकी मिल रही है। बीजेपी ने यहां गुंडे भेजे थे जो काला झंडा लेकर विरोध कर रहे थे। बीजेपी और आरएसएस में फर्क नहीं है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में भी वो ऐसा कर रहे हैं। गौरतलब है कि मां पीताम्बरा 108 महाकुंडीय यज्ञ में 5.25 करोड़ आहुति दी गई है। लखनऊ में गोमती तट पर मां पीताम्बरा 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव का विरोध किया, काले झंडे दिखाकर अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और अखिलेश यादव की सुरक्षा कर्मियों के बीच भिड़ंत भी हुई। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस को बैन करने वाले बयान से पूरा मुद्दा खड़ा हुआ था। बीजेपी ने इसे हिंदुओं का अपमान बताया और सपा को हिंदू विरोधी पार्टी बताया। स्वामी प्रसाद पर इस बयान को लेकर कई FIR हुई है। उन्होंने कल भी कई कथित धमकियों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी जीप काटने, इनाम रखने जैसा बयान देने वालों को भी दूसरे कट्टरपंथियों की तरह क्या आतंकवादी जल्लाद नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव के मंदिर मठ जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि एक तरफ उनके नेता साधु संत मंदिर मठ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव मंदिर मठ जा रहे हैं। ये पूरी तरह से दोहरा चरित्र है। तो हर बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर चीज का आरोप मढ़ देते हैं बीजेपी के ऊपर। अब देखना ये होगा कि सपोर्ट में उतरे अखिलेश को कहीं ये उल्टा तो ना पड़ जाए, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऊपर से उनके नेताओं का ऐसा बयान लगता है सपा की नैया डुबाने वाली है। इस बयान पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।